तो हेलो गाइस, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अभी आपके सामने 2024 की न्यूली लॉन्च स्प्लेंडर प्लस एस्टेक का 2.0 वाला वर्जन, और एक तरफ है हमारा स्प्लेंडर एस्टेक का ओल्ड वर्जन। तो दोनों गाड़ियों में क्या क्या आपको अलग देखने को मिल रहा है, प्राइसिंग क्या रहने वाली है, स्पेसिफिकेशन कौन कौन से मिल जाते हैं, कितना चेंज हुआ है और क्या क्या चेंज हुआ है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले पुरानी वाली की बात करें तो इसका इग्निशन ऑन करते ही यहाँ पे आपको कुछ भी ऑन नहीं देखने को मिलता है, ना तो DRL चलते हैं, ना हेडलैम्प जलता है, ना ही आपको इंडिकेटर चलने को मिलते हैं। अभी नई वाली स्प्लेंडर की बात करें तो यहाँ पे इसके इग्निशन को ऑन करते ही इसके अंदर आपको मिल जाता है LED में हेडलैम्प सेटअप, LED में आपको DRL जो है वो जले हुए देखने को मिलेंगे। प्लस इसमें मिल रहा है हैजार्ड, जो कि फर्स्ट इन द सेगमेंट रहने वाला है कि अब आपको 100 CC की बाइक के अंदर भी हैजार्ड का ऑप्शन मिलता है। तो वहीं ओल्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो मिल रहे थे वो देख सकते हो किस तरह के मिल रहे हैं, और अभी जो नई वाली है इसके अंदर आपको थोड़े से लंबे इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं। दोनों ही इंडिकेटर्स में फ़र्क क्या है और दिखा दूँ, पहले आपको थोड़े से फ्लेक्सिबल मिल रहे थे और अभी जो है आपको नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल रहे हैं, मतलब बाइक गिरेगी तो ये टूट जाएंगे भाई। हेलोजन में आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं दोनों ही बाइकों के अंदर। फ्रंट फेस की बात करें तो यहाँ पे मिल रहा है आपको डुअल टोन कलर, यहाँ पे स्टीकर जो है ये मेंशन कर रखा है, ये इस गाड़ी का जो पेंट है मतलब मैट फिनिशिंग में आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लगेगी और यहाँ पे भी आपको नंबर प्लेट के लिए जगह मिलती है, और इसका जो पेंट है ये भी डुअल टोन कलर में है, यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पे ब्लू। इसके अंदर आपको LED में DRL सिर्फ यहाँ पे मिल रहा था, हेलोजन में आपको हेडलैम्प मिल रहा है, और नई वाली के अंदर मिल रहा है आपको LED में हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है, लो बीम हाई बीम आपको सब कुछ यहाँ पे LED में देखने को मिल जाता है। जला दो एक बार तो देख सकते हो विजिबिलिटी काफी सही रहने वाली है। तो यहाँ पे ये जो अपडेट है काफी बढ़िया कर दिया है। सस्पेंशन जो है वो आपको सेम ही मिल रहा है ओल्ड वाली में और न्यू वाली में, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं। आगे वाले मड गार्ड का जो डिजाइन और पैटर्न है सेम ही रहने वाला है, ये भी आपको फाइबर में मिल रहा है ब्लैक कलर का, और ये भी मिल रहा है आपको फाइबर में। आगे वाले जो टायर सेक्शन है वो भी सेम ही मिल रहा है, 8018 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है 18 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ। अब फ्यूल टैंक की बात कर लें तो फ्यूल टैंक पे आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर मिल रहा है, ब्लैक ब्लू 3D में हीरो मेंशन कर रखा है यहाँ पे। नए में आपको डुअल टोन कलर मिल जाता है, एच यहाँ पे हीरो यहाँ पे 3D में मेंशन कर रखा है। तो ये जो पार्ट है ये सेम ही रहने वाला है, बस कलर ग्राफिक्स थोड़े से चेंज मिलते हैं आपको साइड में। अब पैनल के ऊपर आपको स्प्लेंडर प्लस और एस्टेक जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है, नई वाली में आपको स्प्लेंडर प्लस एस्टेक 2.0 यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पैनल पे आपको मिल रहा है डुअल टोन कलर, देख सकते हो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप यहाँ पे मेंशन किया है, जो देखने में बढ़िया भी लग रही है। इसमें आपको इस तरह का कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे आपको ब्रेक पैड किक का ऑप्शन सेम ही मिलेगा, डुअल टोन कलर का इंजन जो है उसका डिज़ाइन भी सेम ही मिल रहा है आपको, ये देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल रहा है डुअल टोन कलर ब्लैक एंड ग्रे। अब यहाँ पे जो पार्ट मिल रहा है कैटलिटिक कन्वर्ट जो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, इस पर क्रोम की फिनिशिंग में आपको यहाँ पे FI प्रोग्राम मिलता है, और ये जो पार्ट है ये बिल्कुल नया फ्रेश इंस्टॉल किया है। अभी ओल्ड वाले का दिखा दूँ तो पहले इसका डिज़ाइन देख लो आप कैसा रहने वाला है, और जो ओल्ड वाला है उसका डिज़ाइन देखो आप कैसा है। तो ये जो पार्ट है ये भी पूरी तरह से चेंज कर दिया है, इसको अपडेट कर दिया है। यहाँ पे सेंटर में आपको की होल मिल रहा था, लेकिन इसमें ना देखो उस तरफ मिलता है लेकिन साइड में मिलता है आपको। तो यहाँ पे जो क्रोम का पार्ट है वो इसमें रिमूव है, यहाँ पे FI प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिलता है, पावर स्टार्ट यहाँ पे मिलता है। तो इसका जो पार्ट है ये भी पूरी तरह से चेंज कर दिया है। क्रोम में आपको लेग गार्ड मिल रहा है इसके फ्रंट में और यहाँ भी। अब इसके साइड में दिखा दूँ तो आपको जो की होल है ये सेंटर में मिल रहा है, उसके बगल में क्रोम का पार्ट मिल रहा है जो कि आपको उसके अंदर भी दिया जा रहा है। एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं तो एग्जॉस्ट जो है ना पीछे से दिखा दूँ मैं आपको यहाँ से। अब इसका जो एग्जॉस्ट है राउंड शेप में मिल रहा है, और पहले जो आ रहा था वो कुछ इस तरह से आ रहा था यहाँ पे। तो इसका जो डिज़ाइन है मतलब कहते हैं ना इतना जो पार्ट है ये भाई उड़ा दिया, यहाँ यहाँ तक रखा है बस इसके एग्जॉस्ट को। तो ये जो पार्ट था ये ख़त्म कर दिया पूरी तरह से, राउंड शेप में आपको यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट मिल रहा है। बाकी मफलर का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दिया। अभी मफलर देखो इसका, मफलर जो है न्यू वाली का कुछ इस तरह से क्रोम में, और ओल्ड वाली का मफलर आपको ऐसा मिल रहा है। पीछे जो है आपको हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन मिल रहे हैं, तो दोनों गाड़ियों में जो सस्पेंशन है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब टेल में दिखा दूं मैं आपको, तो यहाँ पे आपको ओल्ड वाले में जो टेल मिल रही है कुछ ऐसी मिल रही है, दो पेज आपके यहाँ लगेंगे, और उसका जो डिज़ाइन है वो देख सकते हो साइड से। अभी नई वाली जो है वो ऐसी रहने वाली है, हीरो जो है 3D में ऊपर मेंशन कर रखा है, कोई पेज यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए हैं, और साइड से देखो इसका डिज़ाइन। तो ये जो डिज़ाइन है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है, और इसकी जो टेल है इसका देखो डिज़ाइन। अब दोनों गाड़ियों के इग्निशन ऑन है और इसकी जो टेल है वो बिल्कुल भी नहीं जल रही है, लेकिन न्यू वाली की बात करें तो इसकी जो टेल है वो भी जल रही है और हैजार्ड भी जल रहा है। तो पीछे से टेल सेक्शन जो है पूरा फ्रेम ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जो कि ओल्ड वाले में कुछ इस तरह से आपको दिया जा रहा था, थोड़े से फ्लेक्सिबल आपको इंडिकेटर्स जो कि छोटे से हैं, और इसमें मिल रहे हैं लंबे वाले।
बाकी इसका जो ग्रैब रेल है पीछे ये पकड़ने वाला, ये सेम ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। गाड़ी की जो सीट है वो भी सेम है, डोल टोन कलर के साथ टेक्सचर्ड नीचे, थोड़ी सी यहाँ पे प्लेन सीट, यहाँ पे भी आपको टेक्सचर्ड नीचे प्लेन सीट यहाँ पे मिल रही है। अब इसके मीटर कंसोल की बात करें तो नए वाले में आपको मिल रहा है, देख लो ऑरेंज कलर में फुली डिजिटल मीटर कंसोल। अभी इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों में ही सेम ही मीटर यहाँ पे इंस्टॉल किया है, बस आपको हैजार्ड का जो स्विच है ना उसके लिए यहाँ पर लाइट मिल जाती है, यहाँ पे मोड का स्विच मिल रहा है, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट के लिए ऑप्शन मिल रहा है, दोनों ही गाड़ियों में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तो कोई भी अपडेट नहीं है, इसको भी कर देते हैं ऑफ और इसको भी कर देते हैं ऑफ। अपडेट क्या है, अपडेट नई वाली में आपको यहाँ पे पासिंग का स्विच, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच, हैजार्ड का स्विच, यहाँ पे i3s और यहाँ पे सेल्फ। अब इसकी जो बटन की क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे किस तरह के आपको बटन मिल रहे हैं और पहले कैसे मिलते थे ये देखो, बड़े झंडू से आपको बटन मिलते थे भाई, देख रहे हो क्वालिटी देखो, मतलब क्या ही बोलोगे, बंदे आफ्टर मार्केट जाके बढ़िया बढ़िया वो लगवा रहे हैं स्विचेस में। i3s का स्विच ऐसा रहने वाला है, इसमें आपको लो बीम हाई बीम ऐसे मिलता था, इंडिकेटर ये रहा और हॉर्न ये रहा, पासिंग का स्विच तो है ही नहीं इसमें। अभी नए वाले में आपको देखो कितने बड़े बड़े स्विच मिल रहे हैं, मतलब वो एक्सट्रीम 125 आर वाले ही फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसके बटन क्वालिटी को लेके। तो एक्सट्रीम 125 आर के अंदर जो आपको हैंडल बार के अंदर ये सेटअप देखने को मिलता है ना बटन्स का, वही सेटअप आपको अब नई वाली में मिल रहा है जो कि ओल्ड वाली में नहीं है। फ्यूल कैपेसिटी सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, E20 का सपोर्ट यहाँ भी मिल रहा था और अभी यहाँ भी मिल रहा है। अभी मिरर की क्वालिटी दिखा दूँ मैं आपको, तो मिरर आपको ना अब ऐसे मिल रहे हैं देखो, ठीक है, और ये पहले कैसे मिलते थे ये देखो। तो गाइस कलर ही नहीं, इसकी जो क्वालिटी है वो भी चेंज कर दी है, डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट हैं जो अब नई वाली में आपको मिलता है। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट होती थी ना, हीरो सिर्फ स्टिकर चेंज कर रहा है, हीरो सिर्फ ग्राफिक्स चेंज कर रहा है और कुछ चेंज कर ही नहीं रहा है। तो अभी गाइस यहाँ पे सबकी जो कंप्लेंट है वो हो जाती है ख़त्म, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाता है। तो दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको बढ़िया लग रही है फीचर्स वाइज, पुरानी वाली लेना चाहोगे या फिर नई वाली, वो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा मेरे ख्याल से, 3-4 हज़ार का फर्क आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी अभी जो इसका प्राइस है ऑन रोड वो अभी बताया नहीं है शोरूम में, डिक्लेयर नहीं हुआ है कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाला है। बाकी गाड़ी आपको कैसी लग रही है कमेंट कर देना, वीडियो हेल्प लगाओ तो शेयर कर देना, वीडियो से लगाओ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।